इस प्यार को क्या नाम दूं, फेम वरुण सोपती को कौन नहीं जानता, लेकिन उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो शायद आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। क्या आपको पता है वरुण साल 2013 में एशिया के सबसे सेक्सी मैन चुने जा चुके हैं। इंडियन टीवी इंडस्ट्री में वरुण सबसे हैंडसम भी रह चुके हैं। क्या आपको पता है कि IPKKND की फर्स्ट सीरीज के बाद लड़कियां वरुण की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि वरुण को रोजाना हजारों शादी के प्रपोजल आते थे। अब बात वरुण की फिटनेस की तो वरुण बहुत फूडी किस्म के हैं, और खास बात यह है कि वो कितना भी खा लें मगर उन पर बिल्कुल भी फैट नहीं चढ़ता। सच भी है, वरुण बहुत खाते हैं मगर देखो वरुण कैसे एकदम फिट रहते हैं। वरुण सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहना पसंद नहीं करते, वो जितना भी टाइम होता है अपनी फैमिली दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं। वरुण सोपती इस वक्त पूरे 33 साल के हो चुके हैं। ये जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि वरुण कभी एक्टिंग फील्ड में आना ही नहीं चाहते थे, मगर कुछ ऐसा हुआ कि वरुण टीवी में आ गए। वरुण बी टाउन के लीजेंड आमिर खान के साथ फिल्म में भी काम कर चुके हैं। वरुण ने एक नहीं बल्कि 6 बॉलीवुड मूवीज में काम कर लिया है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा पब्लिसिटी IPKKND में अर्नब सिंह रायजादा के किरदार में ही मिली। वरुण सोपती सनाई रानी के साथ झगड़े को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे। माना जा रहा है कि इसीलिए IPKKND3 में सनाया को एंट्री नहीं मिल पाई, मगर ऑडियंस दिल से चाहते हैं कि इस प्यार को क्या नाम दूं में अदिये वो चांदनी के किरदार में वरुण और शिवानी नहीं बल्कि वरुण और सनाया रानी की जोड़ी बने, चाहे इसके लिए शिवानी तोमर को रिप्लेस ही क्यों न करना पड़े। मिलम न्यूज रिपोर्ट।